सोनीपत में आंदोलन के चलते जाम लगा हुआ, जाम के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन ममगाई। जाट आरक्षण की वजह से पूरा का पूरा रास्ता बंद है यहाँ से ठीक आगे सोनीपत के लिए, जहाँ पे जाट समुदाय के लोग जमा है आरक्षण की मांग को लेकर। और ये सारे लोग हैं जो कि पैदल यहाँ से आ रहे हैं, दिल्ली से आगे की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा की तरफ। तो आइए जगह वहाँ इन्हें पहुँचना, कहाँ जा रहे हैं जी? वहाँ से आ रहे सर, अरविंद हॉस्पिटल से सर। बच्चा बीमार था जी सर, मर गया सर, बच्चे को दफना के जाओ जी, दाई जाना है सर। परेशानी तो है, बच्चे साथ में हैं, बीवी भी है, बच्चा भी है, अब जाना जरूरी है उन लोगों को। छोटा बच्चा आपने? जी सर, बच्चा भी है। हमारे लिए क्या करा सरकार ने, हम तो वैसे ही परेशान है, आए दिन परेशान ही रहते हम तो। ना रास्ता खुल रहा है, वहाँ पब्लिक बेचारी पीछे परेशान है, बालक परेशान है। आप लगता है जाट समुदाय? हाँ, जाट समुदाय से। ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, ठीक है। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा ये काम ऐसे ही जारी रहना चाहिए, ठीक है। खट्टर सरकार को दिखा दिया है कि जाट क्या चीज है। भाई साहब, नाम क्या आपका? अजय। अजय भाई, ये शिव शंकर है। हाँ जी। इसके बेटे की डेथ हो गई है। हाँ जी। वो मानते हैं ये दुख सुख होता रहता है, पर क्या करे, आरक्षण भी तो लेना जरूरी है। एक हफ्ते से दुख से बड़ा दुख है आपका? नहीं, वो तो समझ सकते हैं, दुख से बड़ा दुख नहीं है, पर एक हफ्ते से सारे जाट रोड पे पड़े हैं, तो सरकार ने तो कुछ सोचना चाहिए इस बारे में। कुछ सोचना चाहिए, सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इसके अलावा कोई और तरीका हो सकता था? इससे अलग और तरीका नहीं हो सकता था। जब तरीका अलग से ये हो सकता था, जाट समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे उसी टाइम यदि ये चीज वहीं पर खत्म की जा सकती थी, और आगे चल के ये नौबत नहीं आती सरकार को, ठीक है। एक हरियाणा, हाँ जी, एक हरियाणा सरकार की वजह से चार पांच स्टेटों में दिक्कत हो रही है, पानी की, रेल की, यातायात की, हर सुविधा को जाटों ने रोक दिया, इससे हम बहुत संतुष्ट है। चलिए, अच्छा काम किया है, क्योंकि ये परेशान है, और शायद सरकार जल्द से जल्द कुछ करे ताकि इनके जो चेहरे की परेशानी है।